अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MH Pro पाकिस्तान। आज जो आप वीडियो देख रहे हैं ये रावलपिंडी सोहा अड्डा से लेके टी चौक तक का रोड अपडेट्स और राइट लेफ़्ट पे क्या क्या चीज़ें हैं, मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस सोहा अड्डा से लेके टी चौक तक आपको रोड पे राइट लेफ़्ट किस किस चीज़ की शॉप्स मिल जाती हैं और यहाँ पर किस चीज़ का बिज़नेस चल रहा है। तो ये देखें जी, ये रावलपिंडी हाई कोर्ट रोड से नीचे आप उतरते हैं, लेफ़्ट साइड पे आप टी चौक की तरफ अगर आपका रुख होता है तो ये आपका सोहा पुल है। ये आप सोहा पुल के ऊपर से अगर जा रहे हैं तो आपके राइट पे DHA और लेफ़्ट पे ये जो आपको मुख्तलिफ़ जो है सोसाइटीज़ मिलेंगी। ये देखें यहाँ पे पुल ख़त्म होते साथ ही आपको लेफ़्ट पे अमराई अड्डा जो है वो मिल जाता है। अमराई अड्डा, ये आपके लेफ़्ट पे अमराई अड्डा आएगा और राइट पे एक स्कूल है। रोड अब बहुत खुला कर दिया है, कुशादा है रोड। ये लेफ़्ट पे देखें आपको आम की रेड़ियाँ और सुजुकियाँ खड़ी मिलेंगी। आम का सीज़न है तो वो हर जगह जगह पे आम के ही ठेले आपको नज़र आएंगे। ये आगे आप जाते जाएं तो आप देखें ये आपका यू टर्न है। ये यू टर्न ले कर आप वापस यू पार्क वाली साइड पर रुख कर सकते हैं। ये आगे इन्होंने एक पुल बनाया है जी, ये पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन पैदल इस पर चलता कोई नहीं है, सारे रोड भी क्रॉस करके इधर उधर हो रहे होते हैं तो वो पैदल ऊपर पुल के ऊपर जाने की ज़हमत कोई भी नहीं करता। ये आप राइट साइड पे एक मार्केट देख रहे हैं, ये मार्केट, ये सामने वेल्डिंग की मार्केट में एक मिठाई वाला भी आके बैठा हुआ है जी। फिर लेफ़्ट पर आपको यही मिलती हैं आम की रेड़ियाँ, ये देखें ये CNG और पेट्रोल पंप भी लेफ़्ट पे आपको मिलेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो ये कार शोरूम मिल जाते हैं आपको। ये देखें जी आपके लेफ़्ट पे सारी जो है मार्केट। अब रोड बन रहा है, ये सर्विस रोड बनेगा तो इसकी असल हालत जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, सामने नज़र आएगी। ये सर्विस रोड बन रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड सारी जो है उखड़ी हुई नज़र आती है। ये देखें जी आम का सीज़न है तो जगह जगह पे आम की रेड़ियाँ बहुत लगी हुई हैं। ये देखें जी ये लेफ़्ट साइड पे एक स्कूल है और राइट साइड पे जो है मार्की है। ये आपको लेफ़्ट पे भी एक मार्की मिलती है। ये आगे दमपुख आ गया जी, इसके भी आगे से ये सारा कुछ तोड़ दिया है सर्विस रोड बनाने के लिए। ये आप आगे जाते हैं तो ये आपको राइट साइड पे बैरिया का फेज़ 7 फेज़ 8 के लिए रोड यू टर्न मुड़ेगा। आप यू टर्न आप लेंगे तो राइट साइड पे आप बैरिया फेज़ 7 फेज़ 8 के लिए आप जा सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे जो है आपका बैरिया 1 से 6 के लिए गेट भी है। ये देखें जी आपका बैरिया वाला लेफ़्ट साइड पे भी गेट है और राइट साइड पे भी। लेफ़्ट पे आप 1 से 6 के लिए जा सकते हैं और राइट पे आप 7, 8, 9 जो बैरिया है वहाँ के लिए आप ये यू टर्न लेके आप वापस ऊपर जा सकते हैं। ये देखें जी ये लेफ़्ट पे एक और नया प्लाजा बना है, माल बना है कोई। ये देखें आपके राइट साइड पर सारी मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स आपको मिलती हैं यहाँ पे। ये पूरा बाज़ार जो है हार्डवेयर, पेंट, सेंट्री टाइल, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह का पूरा बाज़ार राइट लेफ़्ट पे आपको दोनों साइडों पे आपको मिलेगा। ये देखें राइट पे आपकी मस्जिद बहुत प्यारी सी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखें जी ये सारा वही मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, स्टील की, सरिया की और सीमेंट की, हर तरह का सेक्शन मटेरियल तमाम आपको राइट लेफ़्ट दोनों साइडों से आपको मिल जाता है। ये आगे एक और पुल पैदल चलने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी आपको पैदल चलने वाला नज़र कोई नहीं आएगा। पैदल चल रहे हैं लेकिन रोड पर ही पुल के ऊपर चढ़ने की ज़हमत कोई नहीं कर रहा। ये देखें आप आगे जाते जाएं,
रोड अच्छा बन गया, रोड ज़बरदस्त हो गया, खुला रोड हो गया, दोनों साइडों से बहुत ज़बरदस्त रोड बना दी है। ये देखें जी, अब ये फिर आपको लेफ्ट पे शॉप्स मिलेंगी, आगे पीएसओ का पंप, और पीएसओ का पंप क्रॉस करते साथ ही ये फिर गाड़ियों का शोरूम आ गया। ये अब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देखें, ये लेफ़्ट के ऊपर आपको बैरिया का एक और गेट मिलेगा, पैराडाइज गेट। ये देखें जी, खूबसूरत किस्म का बैरिया का गेट है। यहाँ से आप आगे जाते हैं तो आपको ये देखें, यहाँ से आपको लेफ़्ट पे जो है स्याला उमक के लिए जो रोड है वो नज़र आएगा। ये आप यहाँ से उमक के लिए, स्याला के लिए यहाँ से लेफ़्ट हो सकते हैं। ये रोड जो है ये उमक टाउन और स्याला के लिए निकल रही है यहाँ से। यहाँ से अब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये आपके फिर प्लाजे शुरू हो जाते हैं राइट लेफ़्ट पे, और इन प्लाज़ों के अंदर भी आपको हार्डवेयर, पेंट, सेंट्री, टाइल्स, तरह तरह की शॉप्स मिलेंगी। ये देखें जी, लेफ़्ट पे आपके फ्रेस्को स्वीट मिलेगी, और राइट पे भी आपको इसी तरह की हर तरह के ब्रांड आपको यहाँ पे सेंट्री टाइल्स, पेंट, मार्बल और हर तरह की शॉप्स आपको इस रोड के ऊपर मिलती हैं। ये आप आगे जाते हैं तो इमारात का अमेज़ोन माल है लेफ़्ट पे जो आपको नज़र आ रहा है, उससे पहले ये सारी मार्बल की और टफ टाइल्स वगैरह की शॉप्स हैं। ये देखें प्रॉपर्टी ऑफिस वगैरह हैं। ये अमेज़ोन माल आ गया है आपको लेफ़्ट पे जो नज़र आ रहा है। अमेज़ोन माल आप क्रॉस करते हैं तो ये पूरी लाइन जो है, ये सारे प्लाजे जो लेफ़्ट पे आपको बने हुए हैं, इसमें आपको बैंक वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें इन प्लाजों में मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप मिल जाती हैं, स्टेशनरी वगैरह की शॉप्स इस प्लाजे पे लेफ़्ट वाले पे मिल जाती हैं, और कुछ क्लिनिक्स हैं। राइट साइड पे फिर वही सेंट्री हार्डवेयर की मार्केट शुरू हो जाती है। ये देखें, ये राइट पे सारी वही सेंट्री हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वगैरह की शॉप्स हैं, और लेफ़्ट पे आपको बैंक वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें, हॉस्पिटल वगैरह ये आपको मिल जाती हैं। और ये आगे फिर एक स्वीट की शॉप्स है, और ये डीएचए का गेट है, डीएचए टू का गेट आप क्रॉस करते हैं तो आगे फिर पीएसओ का पंप आपको मिलेगा, और राइट साइड पे इम्तियाज़ मार्ट आपको मिलेगा। ये देखें, आपने राइट लेफ़्ट ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि आप अगर गूगल पे भी बैठ के देखते हैं या यूट्यूब पे भी बैठ के देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगी, इस रोड पे आपको क्या क्या मिल सकता है। आपके पास टाइम तो नहीं होता कि आप बाहर आके ये सारा कुछ देखें, मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, आप घर बैठे मेरे यूट्यूब चैनल से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इस रोड पे आपको क्या क्या मिल सकता है, ताकि आपका टाइम बचत हो जाए। और बस आपने सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर प्रेस करना है। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी मार्केट थी। ये देखें भाई, ये लेफ़्ट पे फिर सेंट्री की शॉप्स हैं, टाइल की शॉप्स हैं, सेंट्री की शॉप्स हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये इस पूरी रोड पे आपको हर तरह की ब्रांड्स, सेंट्री टाइल्स, हार्डवेयर, पेंट, तरह तरह के ब्रांड मिल जाएंगे।
ये देखें जी, ये फिर राइट साइड पे आपकी पूरी मार्केट यही सेंट्री वगैरह की स्टार्ट हो जाती है। ये लेफ्ट साइड पे नीचे कोई गांव है छोटा सा, उस गांव को रास्ता जाता है, और राइट साइड पे आपका ये सारा DHA का बाज़ार है, DHA 2 गेट 2 के सामने। जैसे इससे आप आगे निकलते हैं तो ये देखें, ये थोड़ा सा आप आगे जाएं तो लेफ़्ट पे छोटा सा गांव आ जाता है। ये राइट साइड पे फिर आपको सेंट्री और टाइल्स की शॉप्स, मशीनरी की और इस तरह की जितनी भी शॉप्स हैं वो आपको मिलती हैं। ये लेफ़्ट पे अटैक का पंप है, पेट्रोल पंप, और इससे आप आगे आते हैं, ये देखें ये सामने एक फोम वगैरह की शॉप्स है, मल्टी फोम्स की। उससे आप आगे जाते हैं तो ये जापान इलेक्ट्रॉनिक्स आपको नज़र आती है। उससे थोड़ा सा आप आगे चले जाएं, ये देखें राइट साइड पर सारी सेंट्री की शॉप्स, हार्डवेयर की शॉप्स, पूरी मार्केट ये देखें। और लेफ्ट पे भी ये आपको गीगा मॉल नज़र आएगा जी, गीगा टावर जो बन रहे हैं ये आपको लेफ्ट पे वो नज़र आ रहे हैं, ये गीगा ग्रुप वालों के हैं ये सारे फ्लैट्स वगैरह DHA के अंदर। और ये राइट पर आपको वही सारी मार्केट ये देखें जी, ये DHA का गेट आ गया। इससे आप आगे जाते हैं तो ये देखें, ये देखें जी आप, ये गीगा लिखा हुआ आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये गीगा के फ्लैट हैं। ये राइट साइड पे आपको इस पूरी सेंट्री की और हार्डवेयर की मार्केट मिलेगी, ये पूरी मार्केट सेंट्री, हार्डवेयर, पेंट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और इस तरह की तमाम शॉप्स आपको मिलती हैं। ये देखें, ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी के ऑफिस हैं, बैंक हैं, लेफ्ट पे ज़्यादातर प्रॉपर्टी के ऑफिस हैं और राइट पे सारे आपको सेंट्री, टाइल्स, हार्डवेयर और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। ये देखें, ये गीगा मॉल का एक और एक्सटेंशन है नई, ये आपको नज़र आ रही होगी इमारात, ये इमारात की बिल्डिंग है। इससे आप आगे जाते हैं तो राइट पे आपको एक मार्केट नज़र आ रही है, और लेफ्ट पे बैंक और प्रॉपर्टीज़ वगैरह के ऑफिस मिल रहे हैं। ये देखें रोड सारा बहुत बेहतरीन हो गया है, लेफ़्ट पे सर्विस रोड बन गया और रोड जो है बाकी कुछ आधा हो गया बहुत। ये देखें जी गीगा की एक्सटेंशन, ये है, ये अभी फुल तैयार नहीं हुई लेकिन तैयार हो रही है। ये देखें DHA का गेट है गीगा का, और ये आपको राइट पे एक और नया प्लाज़ा, इसकी भी अभी ओपनिंग नहीं हुई, ओपनिंग होने वाली है, और ये भी बहुत अच्छा मॉल बना है, जीटा मॉल के नाम से है, और ये बहुत अच्छा मॉल बना है। ये गीगा ग्रुप, और ये सामने देखें ऊपर से ही एक प्लाजे से दूसरे प्लाजे में आने जाने के लिए रास्ता बनाया है इन्होंने। ये पहले जो बाहर इन्होंने ग्रीनरी वगैरह रखी थी वो सारी तोड़ दी है, ये देखें अब इनकी एंट्रेंस जो है बैक साइड से ही है सारी, ये देखें एंट्रेंस सारी ख़त्म कर दी है इन्होंने यहाँ से। ये राइट पर वही जीटा मॉल है, ये भी अभी ओपन नहीं हुआ, बन रहा है। ये गीगा की एक्सटेंशन है लेफ्ट पे, और ये राइट पे आपको फिर टाइल सेंट्री के बड़े प्लाजे नज़र आएंगे। ये देखें लेफ्ट पे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल वगैरह हैं, प्रॉपर्टी के ऑफिस हैं। ये राइट साइड पे थोड़ी सी खाली जगह है, और लेफ्ट पे फिर वही प्रॉपर्टी के ऑफिस। ये देखें जी एक भाई रॉन्ग आ रहे हैं, ये इससे थोड़ा सा आगे जाएं, ये भी प्लाजे बन रहे हैं। ये रोड रवात भी जाएगा और आगे लाहौर के लिए GT रोड भी यहीं से इसी रोड पे ही जाएगा। ये देखें आप, ये GT रोड, DHA वाली सारी साइड जो है वो मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पे आके ये जितने भी प्लाजे थे लेफ़्ट पे आपके ख़त्म हो गए, अभी एक नया बनेगा आगे। यहाँ पे ये जो एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक
नई साइट शुरू हो रही है, यहाँ पे प्लाजा एक बनेगा, ये राइट पे फिर वही टाइल सेंट्री के शोरूम में, ये देखें ये देखें, ये नया प्लाजा जो माल मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे बनेगा, ये नीचे पूरी खाई भराई होकर यहाँ पे नया माल खड़ा होगा कुछ अर्से बाद आपको नज़र आएगा। ये देखें जी, ये था सोहा अड्डे से लेके टी चौक तक जीटी रोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।